नंदनवन थाना अंतर्गत अक्सा मस्जिद के पास ड्यूटी कर रहे एक पुलिस हवलदार पर धारदार शस्त्र से जानलेवा हमला किया गया। आरोपी ह्यूरी लेआउट निवासी रशीद नाजिर खान उम्र 40 साल बताया गया है। जानकारी के अनुसार ईद के बंदोबस्त के तहत नंदनवन थाने में तैनात सुनील पांडुरंग शिंदे उम्र 46 साल की ड्यूटी अक्सा मस्जिद के पास लगाई गई थी। सुबह करीब 9 बजे रशीद उनके पास आया और कहा कि हमारे लोगों को नमाज पढ़ने दे और तू यहाँ से चले जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। सुनील ने कोरोना गाइडलाइंस के चलते ऐसा करने से मना किया। इसके बाद रशीद उनसे विवाद करने लगा और कुछ ही देर में उसने धारदार शस्त्र से गले और पेट पर वार कर दिए। हमारे यहाँ पे कल जो कि रमजान ईद थी, 14 तारीख को एक हादसा हुआ है। हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक हमारा पुलिस कर्मचारी, उसको थोड़ा सा खरोच आई है वगैरह, उसको थोड़ा सा माइनर इंजरी हुई है। ऐसा हुआ है, इसकी जो हकीकत है इस तरह है कि कल जो है कि हमने सभी जितने भी 10-11 मस्जिद हमारे यहाँ पे हैं सभी जगह हमने बंदोबस्त लगाए थे। और अक्सा मस्जिद जो कि हेवरे लेआउट में है वहाँ पे भी सुनील शिंदे और दो कर्मचारी हमने वहाँ पे लगाए थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि 7:30 बजे उनकी नमाज भी हो गई, 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ी वहाँ पे, सब निकल गए। और ये सब होने के बाद नाश्ता पानी हुआ सब, 9 बजे के करीब ये सब अपने सामने जो किराने की दुकान है बाजू में वहाँ पे सब लोग बैठे थे, इसे गप्पा मारते बैठे थे। अचानक इसका जो आरोपी है वो पूरा दारू पीवा था, पूरा फुल इसमें था, नशे में था, और उसके हाथ में एक लोखंडी पट्टी जैसी थी जिसको आगे नोक थी, तो वो लेकर आया और डायरेक्टली जो सुनील शिंदे हमारे जो मेजर है उनके पास गया और उसको मैंने ये करके ऐसा कोशिश किया, उसको मारने की कोशिश किया, तो उन्होंने पकड़ लिया और उनके उसने ये बोला कि तुम हमको तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हमको नमाज़ पढ़ने क्यों देते नहीं यहाँ पे। तो ये उसके वर्डिंग थे और उन्होंने कोशिश किया, लेकिन जो दो कर्मचारी थे और ये उन्होंने पकड़ लिया उसको और उसके हाथ से वो छीन लिया उसके हाथ से। तो हमने इस मामले में 353, 307 और इसके अंदर जो है कि बाकी भी 425 वगैरह हमने इसमें सेक्शन लगाए हैं और हमने गुनाह दाखिल किया है। आरोपी भी अरेस्ट किया हमने, आरोपी PCR में है अभी और उसका रिकॉर्ड भी हमने चेक किया है, उसके ऊपर कुछ 326 के दो गुने और 2379 के गुने उसके ऊपर है। आरोपी का नाम रशीद करके है, रशीद शेख करके नाम है उसका। नहीं, वो अकेला ही था और वो बस्ती वाले बोलते हैं कि हमने इसको कभी यह मस्जिद में आते हुए कभी देखा नहीं है और 1.5-2 साल से काफ़ी रह रहा है वहाँ पे, लेकिन कभी किसके साथ में उसके पहचान वगैरह नहीं है और उसको दारू पीने वगैरह ज़्यादा ये करता है। और उस कल जो है वो पूरा ही इतना मतलब दारू पिया था कि उसको बिल्कुल बोलने का ये नहीं, लेकिन उसके वो इसने हादसा किया है। सुनील तुरंत वहां से हट गए, बावजूद इसके उनकी नाक और एक हाथ पर चोट लग गई थी और वह घायल हो गए। लोगों के बीच बचाव में मामला शांत हुआ, तब तक अन्य पुलिस कर्मी भी वहां पर पहुंच गए, सुनील को हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने रशीद के खिलाफ जानलेवा हमला और शासकीय कामकाजों में अड़ंगा डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।